अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपकी मेज़बान महक शाहिद। महकमा खेल हुकूमत बलूचिस्तान के ज़ेर एहतमाम 14 अगस्त जश्न आज़ादी स्पोर्ट्स फेस्टिवल जारी है। इस मुनक़िदा स्पोर्ट्स फेस्टिवल में नेटबॉल और फेंसिंग के फाइनल मुकाबले खेले गए। नेटबॉल का फाइनल फिजिकल कॉलेज ने अपने नाम किया, जबकि फेंसिंग के मुख्तलिफ कैटेगरीज के मुकाबलों में शयान अकेडमी और खावरशाह अकेडमी के खिलाड़ियों ने मैदान मार लिया। खिलाड़ियों ने महकमा खेल के इस इकदाम को सराहते हुए कहा कि जश्न आज़ादी के मौके पर इन्हें बेहतरीन इवेंट फराहम किया गया है। हमारे लिए 14 अगस्त या 23 मार्च को कोई खेल मतलब इवेंट्स अरेंज करती है तो हम लोग उसको बहुत इंजॉय करते हैं। हमारे लिए बहुत से इवेंट्स अरेंज हो जाते हैं जो हम लोग खेल लेते हैं। बहुत खुशी होती है ये इवेंट हमारे लिए रखा जाता है क्योंकि इसमें हमें हर नया प्लेयर मिलता है अपने नेशनल के लिए, बलूचिस्तान के लिए, और बलूचिस्तान में बहुत हुनर है। 34 खेलों के मुकाबले अयूब स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स समेत कोयटा के मुख्तलिफ मकामात में जारी है। सेक्टर के मोहम्मद इसहाक जमाली और डायरेक्टर जनरल के दुर्गा बलोच ने मुकाबलों के दौरान खिलाड़ियों की हौसला अफजाई के लिए शिरकत की। हमने 10 से 14 अगस्त तक कोयटा में 34 गेम्स हैं मुख्तलिफ मेल फीमेल की, जिनको हम यहाँ मुनक़िद करा रहे हैं। मोस्टली गेम्स हमारे इसी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में, यूब स्टेडियम कॉम्प्लेक्स में हैं। इंडोर गेम्स हैं, फुटबॉल चल रहा है, बैडमिंटन चल रहा है, ताइक्वांडो है, स्क्वाश है, फेंसिंग है, तो ये कुल 34 गेम्स हैं। कोयटा समेत बलूचिस्तान के दीगर अजला में भी खिलाड़ियों के लिए खेलों का मेला सजाया गया है। महक शाहिद, कोयटा।